शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, अनेकों सवाल जो आज कांग्रेस पार्टी पूछ रही है उसमें कौन सा सवाल गलत है? वो कह रहे हैं कि एक पूरी लिस्ट है, आपके नेताओं ने वक्त वक्त पर अलग अलग जगहों पर महिला नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। आपने दयाशंकर सिंह को क्या किया है? मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश की सरकार में, तब महिलाओं का सम्मान आपको याद नहीं आया? न हाथरस में आया, न लखीमपुर में आया, न उन्नाव में याद आया। अंजना जी, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं, ये कांग्रेस के स्लिप ऑफ कैरेक्टर का एक और प्रमाण है, क्योंकि सेना, संसद, राष्ट्रपति और देश का अपमान, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। मैं आपको बताता हूँ, सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहना, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। संसद पर और सुप्रीम कोर्ट पर और ईसी पर सवाल उठाना, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनको उदित राज जी ने डेफ एंड डम दलित कहा, ये उन्होंने किया है। आज जिस प्रकार से राष्ट्रपति मुर्मू जी के विषय में कि राष्ट्र की पत्नी, राष्ट्रपत्नी कहा गया उनको, इससे पहले जब वो चुनाव लड़ रही थी तब उनको ईवल मानसिकता का कहा गया, उनको डमी कैंडिडेट ऑफिशियल हैंडल से कहा गया कांग्रेस पार्टी के। और हर संस्था का अपमान इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके चरित्र में परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर, सोनिया को संविधान के ऊपर और दल को देश के ऊपर रखने की बड़ी पुरानी आदत है। अब जहां तक सवाल है, जो उदाहरण गिना रही थी मैडम, तो ये कहना चाह रही है कि क्योंकि फलाना फलाना व्यक्ति ने फलाना फलाना साल में कुछ कहा, इसलिए प्रतिशोध की भावना में झुझकते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानजनक शब्द कहा। लेकिन अंजना जी, आपने तो इनको बड़ा लंबा मौका दिया। अच्छा, एक चीज बताऊं, मेरी माँ ने मुझे एक चीज बताई थी कि जब हम माफी मांगते हैं तो विनम्रता का भाव होता है। माफी मांगने के समय तर्क कुतर्क नहीं होता, किंतु परंतु नहीं होता, विनम्रता होती है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे संभ्रांतवादी मानसिकता से पले बढ़े हैं, सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून के साथ, कि जब वो माफी भी मांगते हैं तो अहंकार की चरम सीमा पर बैठकर रावण को भी शर्मिंदगी दे दे, उस प्रकार की अहंकारिता के साथ माफी मांगने का ढोंग करते हैं। उसको अपॉलॉजी नहीं, उसको हुस्न अफरोजी कहते हैं। और हुस्न अफरोजी के मैं दो प्रमाण और भी लेकर आया हूं। ये आकर कहती हम तो माफी मांग रहे हैं, अरे सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरा कीजिए जल्दी से। अब मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो उदित राज ने कहा कि कोई भी चीज गलत नहीं है जो राष्ट्रपति को पत्नी कहा है। उदित राज इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़े नेता है, क्या इस बयान से वो इत्तफाक रखती है? और अगर रखती है तो ये माफी नहीं हुई। दूसरी बात ये सुनिए, रेणुका चौधरी जी ने अभी क्या कहा, सुनिएगा। आप प्लीज उनका अपमान मत कीजिए, ये मत कहिए कि मैडम इतनी कमजोर है कि किसी राष्ट्रपति या पत्नी कहने में उनकी कोई फर्क पड़ेगी। प्लीज डोंट डू दिस, इतनी चाइल्डिश बातें ये करते रहे। तो ये तो कह रही है कि अपमान हुआ ही नहीं, ये थोड़ी इतनी कमजोर है भाई। ये दिक्कत है कि सोनिया गांधी को अगर ईडी पूछताछ करने चले जाए तो ये सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा सकते हैं, परंतु देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के विषय में ऐसे अपमानजनक शब्द बोले तो की कोटरी के जो सदस्य है, और आजकल ये भी है जो मैडम हमारे साथ बैठी है, वो आकर कहते हैं कि ये कोई ऐसी बात है ही नहीं जिस पर माफी मांगी जाए, ये तो सब चलता है जी, ये क्योंकि इनकी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको दो ही उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र उठा के देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर को दो बार चुनाव हराना हो या उनको भारत रत्न से वंचित रखना हो, अपने परिवार में भारत रत्न देना हो, ट्राइबल विरोधी ये कांग्रेस पार्टी वो है जिसने भगवान बिरसा मुंडा की याद में एक भी दिन कभी कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं किया, उनके योगदान को हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में आने नहीं दिया। ये वो लोग है जो SC ST समाज के खिलाफ जब अत्याचार होते राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार अपराध जो होते SC ST समाज के राजस्थान में होते, और अशोक गहलोत उठकर पता है क्या कहते हैं, ये दलित महिलाएं झूठ बोलती है, इनके खिलाफ कोई बलात्कार नहीं हो रहा। उनके महिलाओं के खिलाफ बयान क्या है कि महिलाओं के खिलाफ रेप इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। ये किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं? 10 बयान आप सुनाएंगे, 15 बयान वो सुनाएंगे, फिर 20 बयान आप सुनाइएगा। लेकिन सवाल ये है ना अंजना जी, मेरा मूल सवाल ये, नहीं मेरा मूल सवाल, पार्टी है जो ये कह दे कि हमारे किसी नेता ने महिलाओं के खिलाफ, नहीं नहीं अंजना जी, आप कह सकते हैं अंजना जी, आज आप ये कह, अंजना जी नहीं, ये व्हाट अबाउटरी की चरम सीमा पर बैठकर डिबेट करनी है कि आज के विषय पर डिबेट करनी, आज के विषय में, तो आज के विषय पर इतिहास, पहले तो मुझे बता दीजिए, पहले तो मुझे बता दीजिए अंजना जी, मुझे पहले तो बता दीजिए कि क्या ये माफी मांग रही है, और क्या इनको लगता है अधीर रंजन चौधरी का बयान गलत है, या जैसे रेणुका चौधरी और उदित राज ने कहा कि नहीं ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, वो उसको जायज ठहरा रही है, और अगर जायज ठहरा रही है तो कहे माफी नहीं मांग रहे, हम तो चाहते कि इस प्रकार की भाषा बोले। अगर ये कहती है गलत है तो उदित राज और रेणुका चौधरी पर क्या कार्रवाई होगी? खुद वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और राष्ट्रपति से टाइम लेकर उनसे माफी मांगूंगा, खुद कह रहे हैं ना, तो गलती का एहसास तो हो रहा है ना उनको कि मैंने ये क्या कह दिया है, कौन सी ये मानसिकता है। और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि
उन्होंने कहा कि नहीं राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी जी, उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी जो सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सी मानसिकता है, कोई पुरुष इस तरह की बात करेगा? क्यों कहेगा? पति और पत्नी उनको समझ नहीं आ रहा है, वो दिन रात हिंदी में बोल रहे हैं। मैडम क्या बात कर रहे हैं आप, उनको पति पत्नी हिंदी नहीं समझ में आती है? मुझे ऐसा लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इसको ना देखिए। उनके मुंह से कुछ निकल गया, उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग चूक हुई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उन्होंने कहा मैं इसमें लोकसभा में भी बोलना चाहता हूं, मुझे टाइम मिले मैं जाकर पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा प्रेसिडेंट को। अब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री की स्लिप ऑफ टंग हो गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हमें लगता है स्लिप ऑफ टंग हुई थी, इसको हमने कोई बखेड़ा नहीं बनाया, किसी से भी बोलने में हो सकती है, प्रधानमंत्री से भी हो गई थी, बेटी पटाओ बोल दिया उन्होंने, तो हम क्या ये माने कि वो देश भर की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, कोई षड्यंत्र रच रहे थे, उनको पता नहीं था कि पढ़ाओ और पटाओ में क्या अंतर है? पता था, लेकिन मानवीय भूल हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, मैं आपके शो में कुछ शब्द गलत बोल सकती हूँ, मैं उसके लिए माफी मांग सकती हूँ, जो कि अधिरंजन चौधरी जी ने कहा। बीच में मत बोलिए प्लीज, अदरवाइज मैं भी बीच में बोलना शुरू करूंगी, टू वे डिबेट है, बोलने दीजिए को। धमकी मत दीजिए मैडम, मैं धमकी से डरता नहीं हूँ और ना आपकी धमकी का कोई असर मुझ पर होता है। आप धमकी मत दीजिए, आपका ऑलरेडी गुस्से वाली मैडम के नाम से नाम परिचित है, धमकी वाली मैडम मत बने। नहीं, ये धमकी देने का चलन है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा, आप अपनी बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी। नहीं, अब शब्द और बदतमीजी करेंगे तो मैं वो सुनूंगी नहीं, बीच में मत बोलिए, मेरा ये आग्रह है, अगर आप बीच में बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं एक और बात बोलना चाहती हूं, और ये बात बड़ी बोलनी जरूरी है, आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने वाला बिल तो ये सरकार पास कराने पर तुली हुई है और चले हैं ट्राइबल्स की बात करने। मायावती जी को काली भैंस कहने वाले को इन्होंने दोबारा से दयाशंकर सिंह को मंत्री बना लिया, एक महिला का टिकट काटकर, स्वाति सिंह का टिकट काटकर दयाशंकर सिंह को टिकट दिया। ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की जिनका विधायक आरोपी नहीं दोषी पाया गया उन्नाव में रेप का, एक सेकंड आपको टोक रही हूं सुप्रिया जी, पार्टी उसके साथ खड़ी सुप्रिया जी, मैं टोक रही हूं क्योंकि मायावती जी के लिए जो दयाशंकर सिंह ने कहा, एक सेकंड मैं आपको बोलने दूंगी, सबकी आवाज नीचे कीजिए। मायावती जी के लिए जो दयाशंकर सिंह ने कहा आपने उसको चानी पर दोहराया है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, हम नहीं चाहते हैं कि बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया जाए, और चैनल का आपके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी इससे परहेज करना चाहिए जैसा आपने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार आपने वो शब्द बोल दिए, ये गलत है। हम कम से कम इस तरह की भाषा अगर किसी ने कहा भी है तो हम उसको दोहराए ना।